वेलकम एवरीवन टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो हियर। आज इस वीडियो के अंदर हम बनाने जा रहे हैं दिस एनिमेटेड प्रोग्रेस बार। तो इस पेज को मैं रिफ़्रेश करता हूं, आप देखोगे किस तरीके से ब्यूटीफुल एनिमेशन आपको इस तरीके से दिखेगा। अगर आप अपना पोर्टफोलियो बना रहे हो या कुछ भी बना रहे हो तो यहाँ वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हो। HTML में आपकी कितनी स्किल्स है, CSS में कितनी स्किल्स है, jQuery, JavaScript, SAS, एवरीथिंग इट विल गोइंग टू कवर हियर। अब यहाँ पर द ग्रेट थिंग अबाउट दिस प्रोग्रेस बार इज़ कि ये प्योरली बना है CSS 3 से। सो नो जावास्क्रिप्ट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस, यू कैन क्रिएट दिस जस्ट बाय यूजिंग CSS। ओके गाइस, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आई एम होस्टिंग 1 आवर ट्रेनिंग, जहाँ पर मैं आपको ये बताऊँगा कि आप अपना वेब डेवलपमेंट का करियर कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर उसके लिए अभी तक आपने रजिस्टर नहीं किया है तो मेक श्योर टू रजिस्टर फॉर इट एंड लेट्स डू दिस। तो इसके लिए बेसिकली हम style.css और index.html 2 फाइल हम यहाँ पे लेंगे। सबसे पहले मैं अपना बॉयलर प्लेट यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। टाइटल यहाँ पे ले लेते हैं प्रोग्रेस बार। ओके प्रोग्रेस बार हम यहाँ पे टाइटल ले लेंगे और इसके बाद द नेक्स्ट थिंग विल बी हमारा फॉन्ट्स, ठीक है। तो हमें फॉन्ट्स अप्लाई करने हैं, तो अप्लाई आवर फॉन्ट्स हियर और उसके बाद हम यहाँ पे CSS अप्लाई कर देंगे। तो उसके लिए डायरेक्टली मैं लिंक कर दूँगा CSS style.css, ठीक है। तो ये हमारा काम हो गया है, index.html में हमें इतना ही लिखना है, ठीक है। अब बॉडी टैग के अंदर आके हमें कुछ काम करने हैं, तो वो काम हम करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे एक डिव जिसका नाम होगा प्रोग्रेस बार, ठीक है। तो एक प्रोग्रेस बार करके हम डिव ले लेंगे, इसके बाद एक हम इसके अंदर ले लेंगे बार, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर हम लेंगे एक और डिव जिसका नाम होगा सब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद एक इसके अंदर हम लेंगे स्पैन और स्पैन के अंदर हम लिखेंगे सिंपली HTML, ओके। अब ये वाला जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के नीचे हम एक और डिव लेंगे बार लाइन। तो ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है वो वाला स्ट्रक्चर हम यहाँ पे बना रहे हैं और बार लाइन के अंदर सिंपली हम यहाँ पे लेंगे स्पैन, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। अब इसको हमें मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे कॉपी करना होगा क्योंकि ये हमें मल्टीपल टाइम्स चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको हमको कितनी बार चाहिए, 1 2 3 4 5 आइटम्स के लिए। तो मुझे 4 बार इसको और कॉपी करना होगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, ठीक है। अब बेसिकली हमें करना क्या है, यहाँ पे कुछ हमें बहुत ज़्यादा चेंजेस करने नहीं है। यहाँ पे पहले तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टॉप में देखेंगे आप यहाँ पे मैंने बार लाइन दे रखा है, इसको मैं HTML कर दूँगा, ठीक है। इसके बाद HTML से इसको मैं कर दूँगा CSS, ओके। और यहाँ पे भी मैं बार लाइन के पास में CSS ऐड कर दूँगा क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये क्या है कि ये एक एक्स्ट्रा जो लाइन आपको दिख रही है ना वो है। तो लाइन की लेंथ कितनी होगी हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, तो इसका डिफरेंट होना इम्पॉर्टेंट है। CSS के बाद यहाँ पे मैं ले लूँगा jQuery, ठीक है। और बार लाइन के पास आ जाएगा यहाँ पे jQuery, ठीक है। ऑलराइट, उसके बाद आ जाएगा जावास्क्रिप्ट, यहाँ पे हम लिख लेंगे जावास्क्रिप्ट, ठीक है। और आखिरी में हम यहाँ ले लेंगे SAS और यहाँ पे हम ले लेंगे SAS। तो गाइज़ ये स्ट्रक्चर जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। मैं गो लाइव करता हूँ इसमें और हम यहाँ पे देखेंगे तो ये सिंपल सा इस तरीके से कुछ आपको दिखाई दे रहा है जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा है, आई नो फॉर श्योर, बट CSS से हम इसको बहुत अच्छा बना देंगे, ठीक है। तो वापस मैं style.css में जाता हूँ और अब हम CSS लिखना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हमारा स्टार करके इस तरीके से मैं इसको स्टार्ट कर दूँगा, ओके। इसमें क्या करने होंगे चेंजेस मुझे, मार्जिन में सबसे पहले मैं ले लूँगा 0, ओके। पैडिंग में ले लूँगा मैं 0, बॉक्स साइजिंग में ले लूँगा बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। उसके बाद फॉन्ट फैमिली हम ले लेंगे यहाँ पे पॉपिंस। पॉपिंस ठीक है, और आप चाहे तो फॉलबैक फॉन्ट लगाएं, अदरवाइज नहीं भी लगाएंगे चलेगा, है ना। तो ये हमने यहाँ पे फॉन्ट्स को चेंज कर दिया है। अब हम HTML और बॉडी को यहाँ पे नीचे टारगेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नीचे आऊँगा, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, यहाँ पे मैं HTML और बॉडी को करूँगा, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं इस पर लगाऊँगा डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है। हाइट यहाँ पे हो जाएगी 100 VH, अलाइन आइटम्स यहाँ पे हो जाएंगे सेंटर, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट यहाँ पे हो जाएगा हमारा सेंटर, ठीक है। और बैकग्राउंड यहाँ पे हम ले लेंगे RGB और 44, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 43 और 43। ये सारा सब कुछ हम यहाँ पे ले लेंगे। आप देखोगे कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे ये मिल जाता है। तो बेसिकली इसको हमने सेंटर अलाइन कर दिया है, इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से सेट कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं हाइड कर देता हूँ क्योंकि दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड हियर। यहाँ पे हमें चेंजेस यहाँ पे दिखते रहे, ठीक है। तो ये हमारा HTML बॉडी हो गया है। इसके बाद यहाँ पे नीचे आके मैं प्रोग्रेस बार को टारगेट करूँगा, प्रोग्रेस बार्स को टारगेट करूँगा, ठीक है। और इसके बाद पैडिंग को यहाँ पे लूँगा और वो लूँगा 25 पिक्सल 30 पिक्सल, ठीक है। विड्थ ले लूँगा मैं 1000। कलर मेरा हो जाएगा #FFF। आप देखोगे चेंजेस आपको यहाँ पे दिखते जाएंगे। कलर हमारे हो जाएंगे #FFF। लेट मी क्विकली चेक। प्रोग्रेस बार, ठीक है। इसके बाद बॉक्स शेडो हम यहाँ पे ले लेंगे, दैट विल बी 5 पिक्सल 20 पिक्सल और RGB है 0.2, ठीक है। बट फॉर सम रीज़न दिस इज़ नॉट गेटिंग अप्लाइड। प्रोग्रेस बार्स है यहाँ पे प्रोग्रेस बार है। तो गाइज़ यहाँ पे आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है, दैट विल नॉट बी बार्स। एक काम करते हैं, हम इसको बार्स कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल है ना, इस वजह से है ना। तो ये प्रोग्रेस बार्स होगा, ओके। तो यहाँ पे आप देखोगे कि थोड़ा सा हमारा स्टाइलिंग जो है वो ठीक दिखने लगा है। इसको मैं छोटा कर देता हूँ, है ना। मतलब ये ओरिजिनल साइजेस से पहले मैंने इसको जूम कर रखा था, इस वजह से वो थोड़ा सा बड़ा दिख रहा था। अब मैं नीचे आऊँगा और डॉट प्रोग्रेस बार्स के अंदर डॉट बार को मैं टारगेट करूँगा, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर सबसे पहले मैं मार्जिन ले लूँगा, दैट विल बी 30 पिक्सल और 0, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारा ये जो एक डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। अब नीचे आके डॉट प्रोग्रेस बार्स के अंदर डॉट बार और उसके अंदर डॉट सब्जेक्ट, ठीक है। लेट मी क्विकली चेक इफ़ एवरीथिंग इज़ करेक्ट। सब्जेक्ट, ओके, राइट, वी आर डूइंग राइट। और सब्जेक्ट के अंदर ओके, बिफोर गोइंग फॉर सब्जेक्ट हमें यहाँ पे, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, विल राइट CSS फॉर दिस। सब्जेक्ट को मैं यहाँ से हटाता हूँ, इसके लिए हम बाद में लिखेंगे। पहले हम लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट चाइल्ड के लिए, है ना, फर्स्ट चाइल्ड के लिए हम यहाँ पे इसको लिखेंगे। और फर्स्ट चाइल्ड में क्या करेंगे, हम मार्जिन टॉप यहाँ पे ले देंगे 0 पिक्सल, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा जो टॉप का जो एक डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है वो यहाँ पे मेंटेन हो जाएगा। अब प्रोग्रेस बार्स डॉट बार सब्जेक्ट के अंदर हम क्या करेंगे, मार्जिन बॉटम हम यहाँ पे लेंगे, मार्जिन बॉटम हो जाएगा यहाँ पे 5 पिक्सल, ठीक है। मार्जिन बॉटम हो जाएगा यहाँ पे 5 पिक्सल। Let me quickly check if everything is correct. Yeah, I think everything is correct right here, or we are good to go. Okay. अब नीचे आऊँगा मैं, डॉट प्रोग्रेस, प्रोग्रेस बार्स, डॉट बार, डॉट सब्जेक्ट, डॉट सब्जेक्ट और स्पैन। फॉन्ट वेट हो जाएगा यहाँ पे 500, फॉन्ट साइज़ हो जाएगा यहाँ पे 17 पिक्सल और ओपेसिटी हम कर देंगे कितनी, 0। ठीक है, और यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे एनिमेशन। एनिमेशन का नाम होगा शो टेक्स्ट। ठीक है, 0.5 सेकेंड यहाँ पे हम लेंगे, 1 सेकेंड और लीनियर, लीनियर और फॉरवर्ड, फॉरवर्ड्स। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे चेंजेस करेंगे। अब इसको करते ही आप देखोगे कि यहाँ पे ये पूरा सब कुछ गड़बड़ हो गया है और यहाँ पे ये गायब हो गया है, बट जब हम इसमें आगे करेंगे तो ये ठीक से सारी चीज़ें काम करने लगेगी। आगे यहाँ पे जाके हम यहाँ पे देंगे @ की फ्रेम्स। ठीक है, की फ्रेम्स हम देंगे शो टेक्स्ट, शो टेक्स्ट करेंगे। ठीक है, और शो टेक्स्ट को 100% यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, 100% यहाँ पे अप्लाई करेंगे और उसकी ओपेसिटी जो है, ओपेसिटी जो है वो कर देंगे 1 यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो कि ये की फ्रेम्स लगाने के बाद एक टाइम के बाद ये थोड़े टाइम में इस तरीके से जनरेट हो रहे हैं, तो ये हम इसकी मदद से यहाँ पे कर पा रहे हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट काम हमारा जो होगा वो होगी हमारी बार लाइन। तो जो लाइंस हैं, इन लाइंस के साथ हमें यहाँ पे प्ले करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डॉट प्रोग्रेस बार्स और इसके अंदर हम बार ले लेंगे, उसके अंदर हम यहाँ पे बार लाइन ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे बार लाइन हाइट हो जाएगी 2 पिक्सल और विड्थ हो जाएगी 100%। ठीक है, बैकग्राउंड हमारा हो जाएगा नॉट कलर, बैकग्राउंड हमारा हो जाएगा #35(3)B48। ठीक है, तो ये हमारा बैकग्राउंड हो जाएगा। आप देखोगे इस तरीके से कुछ ये आपको दिखाई यहाँ पे देगा, और नीचे हम इसका पोजीशन जो है, पोजीशन जो है वो ले लेंगे रिलेटिव। ठीक है, ट्रांसफॉर्म यहाँ पे हम लगाएंगे, वो होगा स्केल x और स्केल x के अंदर हम यहाँ पे लगाएंगे 0। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे हम लेंगे ट्रांसफॉर्म ओरिजिन, जो कि हो जाएगी हमारी लेफ़्ट। उसके बाद बॉर्डर हम लगाएंगे यहाँ पे 1 पिक्सल सॉलिड RGBA। ओके, और यहाँ पे होगा 0 0 0 और 0.3। ठीक है, तो आप देखोगे अभी यहाँ पे कुछ चेंजेस दिखाई नहीं दे रहे, बट दिस विल गोइंग टू टेक प्लेस आफ्टर सम टाइम। तो यहाँ पे बॉर्डर आपने लगा दी है, और इसके बाद यहाँ पे आपको लेना है बॉर्डर रेडियस। ओके, बॉर्डर रेडियस आपका हो जाएगा 10 पिक्सल। उसके बाद बॉक्स शेडो यहाँ पे हम लेंगे, बॉक्स शेडो हम यहाँ पे देंगे और वो हो जाएगा 0 0 10 पिक्सल और #2187 E7। ठीक है, ये हमारा कलर हो जाएगा, थोड़ा सा ब्लूइश सा ये कलर है B3। ये डार्क हो जाएगा क्या थोड़ा सा? हाँ ठीक है, सो ये थोड़ा सा डार्किश सा कलर है, और यहाँ पे हम एनिमेशन अप्लाई कर देंगे। एनिमेशन का नाम होगा, यहाँ पे हम एनिमेट दे देते हैं, नाम आप कुछ भी दे सकते हो, रियली डजंट मैटर। 1 सेकेंड क्यूबिक बेजियर। ठीक है, और ये देना है 1, 0, 0.5, 1। ओके, और इसके बाद इसको करना है आपको फॉरवर्ड्स। ठीक है, तो ये कुछ हो जाएगा। अभी हम यहाँ पे फाइनली इसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो नीचे आऊँगा मैं और @ की फ्रेम्स, की फ्रेम्स हम यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे एनिमेट करेंगे। ओके, और इसके अंदर हम लगाएंगे 100% और ट्रांसफॉर्म क्या करेंगे, स्केल x1 कर देंगे। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये किस तरीके से यहाँ पे जो लाइन है वो आपको दिखाई दे रही है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। ठीक है, बट इतने से हमारा काम ख़त्म नहीं होगा, हमें और जाके और इसमें कोडिंग करनी होगी। तो सबसे पहले हम डॉट बार को लेते हैं, उसके बाद डॉट बार लाइन को हम यहाँ पे लेंगे, उसके बाद हम स्पैन को टारगेट करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली तीनों चीज़ों को हम टारगेट करेंगे। हाइट इसकी ले लेंगे, वो हो जाएगी हमारी 2 पिक्सल। उसके बाद पोजीशन हो जाएगी हमारी एब्सोल्यूट। ठीक है, बॉर्डर रेडियस हो जाएगा हमारा 10 पिक्सल और ट्रांसफॉर्म हो जाएगा हमारा स्केल x 0। ठीक है, इसके बाद ट्रांसफॉर्म ओरिजिन हम यहाँ पे ले लेंगे लेफ़्ट। उसके बाद बैकग्राउंड हम लेंगे, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे ले लेते हैं, दैट विल बी #2187E7। तो ये हमारा कलर हो जाएगा और यहाँ पे हम वापस से एनिमेशन देंगे। ठीक है, एनिमेशन में हम करेंगे एनिमेट, और एनिमेट के अंदर 1 सेकेंड और यहाँ पे हो जाएगा क्यूबिक बेजियर, कसबिक नहीं, क्यूबिक बेजियर। ठीक है, दैट विल बी 1,0,0.5,1। ठीक है, और ये होगा फॉरवर्ड्स। ओके, यहाँ पे हम लेंगे डॉट बार लाइन .html बारलाइन .html और स्पैन को हम लोग टारगेट करेंगे। ठीक है, और सॉरी यहाँ पे एक्चुअली जो है ये स्पेस होना चाहिए, आई थिंक दिस इज़ करेक्ट नाउ। अब इसका जो विड्थ है वो हम यहाँ पे ले लेंगे 90%। ठीक है, तो ये विड्थ हम यहाँ पे ले लेंगे 90% और ठीक है, लेट मी क्विकली चेक बार लाइन। बार लाइन इसके अंदर नहीं, विल पुट दिस लाइक दिस। ओके, तो ये इस तरीके से हम इसको दे देंगे, इसको 90% कर लेंगे। अब यहाँ पे डॉट बार और डॉट CSS होगा। ठीक है, और फिर अगेन ये स्पैन होगा, नॉट स्पैम, इट विल बी स्पैन। दैट विल बी, इसका जो विड्थ हो जाएगा दैट विल बी 60%। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो रहा होगा आपको। बस अलग अलग यहाँ पे वैल्यूज़ देनी है। अब मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ लाइक 2-3 टाइम्स यहाँ पे, और यहाँ पे सिर्फ इनकी वैल्यूज़ जो है वो यहाँ मैं चेंज कर दूँगा। यहाँ पे CSS लिया है, CSS के बाद जो नेक्स्ट है वो हो जाएगा हमारा jQuery हो जाएगा 85% और jQuery के बाद नेक्स्ट हो जाएगा जावास्क्रिप्ट हम ले लेंगे यहाँ पे 80%, इसको 50% ले लेंगे। ठीक है, और जावास्क्रिप्ट के बाद हमारा फाइनली बचता है दैट विल बी सैस। ठीक है, तो सैस हमारा हो जाएगा 75%। इसको किया मैंने यहाँ पे सेव और आप देखोगे यहाँ पे आपको डिफरेंट वैल्यूज़ मिलने लगी है। वाई दिस इज़ नॉट वर्किंग, जावास्क्रिप्ट का कुछ भी दिख क्यों नहीं रहा है? जावास्क्रिप्ट की स्पेलिंग गलत लिखी है मैंने। ओके, नाउ इट विल वर्क। ओके, तो इस तरीके से सारी चीज़ें हमारी दिखने लगी है, एंड आई थिंक ये बेटर यहाँ पे लगने लगा होगा, है ना? बट यहाँ पे इसकी जो विड्थ है ये विड्थ ज़्यादा होनी चाहिए, बाकी ये कम यहाँ पे दिख रही है। लेट मी क्विकली चेक, यहाँ पे मैंने 1000 किया है सिर्फ, इट शुड बी 1000 पिक्सल। ठीक है, 1000 क्या होता है, 1000 कुछ भी नहीं होता है। सो उसकी वजह से ऐसा दिखाई दे रहा था। चलो ठीक है, ऑल राइट। तो यहाँ तक हम मोस्ट ऑफ द काम यहाँ पे कर चुके हैं, ओके। बट इसको हम थोड़ा और बेटर बनाएंगे और इसको अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। एंड फॉर दैट उसको हम यहाँ पे विल डू फ्यू थिंग्स हियर। सो अगर आप देखोगे यहाँ पे ये मैक्सिमम उसी तरीके से काम कर रहा है, आप अभी देख रहे हो, ठीक है। बट यहाँ पे देखो, आपको ये नंबर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये नंबर्स हमारे इसमें यहाँ पे नहीं है। तो वो नंबर्स हमें लिखने के लिए अब कुछ चीज़ें यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं नीचे आऊँगा, डॉट बार लाइन को टारगेट करूँगा, स्पैन को टारगेट करूँगा, बिफोर को मैं टारगेट करूँगा, ठीक है। पोजीशन यहाँ पे हो जाएगी एब्सोल्यूट, कंटेंट यहाँ पे हो जाएगा ये, टॉप से हो जाएगा -10 पिक्सल, राइट विल बी 0, ओके। और हाइट विल बी 0, विड्थ विल बी 0, ठीक है। और बॉर्डर टॉप कलर हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है। दैट विल बी #000। आफ्टर दैट ओपेसिटी विल बी 0 और यहाँ पे हम डालेंगे एनिमेशन, ठीक है। और वो हो जाएगा शो टेक्स्ट टू, दैट विल बी 0.5 सेकेंड। उसके बाद नेक्स्ट विल बी 1.5 सेकेंड, देन इट विल बी लीनियर, ओके, एंड फॉरवर्ड्स, ठीक है। सो दिस विल बी वी विल हैव टू एड इट हियर। और उसके बाद हमने बिफोर किया, हम आफ्टर भी यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको एज इट इज़ यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ नीचे आके मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। तो बिफोर आफ्टर हम ऐड कर रहे हैं, नथिंग समथिंग कॉम्प्लेक्स हियर, ओके। तो यहाँ पे पोजीशन हम ले लेंगे, दैट विल बी एब्सोल्यूट, ठीक है। टॉप से हम ले लेंगे -28 पिक्सल, ओके। और राइट से हम ले लेंगे 0, ओके। फॉन्ट वेट जो है वो हो जाएगा 500, ओके। कलर जो है वो हो जाएगा #FFF, ठीक है। और पैडिंग यहाँ पे हो जाएगी 1 पिक्सल और 8 पिक्सल की। उसके बाद फॉन्ट साइज़ जो है दैट विल गोइंग टू बी 12 पिक्सल। बॉर्डर रेडियस विल बी 3 पिक्सल here and opacity will be 0 and at last we're going to add animation in this, ठीक है। और animation हमारा होगा यहाँ पे show text to, ठीक है, वही होगा यहाँ पे 0.5 सेकेंड, 1.5 सेकेंड, लीनियर और फॉरवर्ड्स। तो ये चीज़ हम यहाँ पे ऐड करेंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिर्फ यहाँ पे इसका की फ्रेम्स ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे की फ्रेम्स मैं ले लूँगा और यहाँ पे हमारा हो जाएगा शो टेक्स्ट टू, है ना। और इसके अंदर मैं डायरेक्ट 100% पे ले जाऊँगा और वो हो जाएगा हमारा ओपेसिटी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे इस तरीके से। बट अभी हमें इसकी वैल्यूज़ हमने डिफ़ाइन नहीं की है सभी की इंडिविजुअली, तो वैल्यूज़ हमें यहाँ पे डिफ़ाइन करनी पड़ेगी। तो बार लाइन में यहाँ पे लूँगा, ठीक है। और बार लाइन के अंदर या डायरेक्टली मैं यहाँ पे बार लाइन की वजह HTML ले सकता हूँ, ठीक है, और स्पैन को मैं टारगेट करूँगा आफ्टर, और इसके अंदर कंटेंट, ठीक है, कंटेंट के अंदर मैं क्या डालूँगा 95%। सेव किया तो आप देखोगे यहाँ पे द नंबर शुड बी विजिबल हियर, लेट मी क्विकली चेक कि क्यों नहीं दिखाई दे रहा है 95%। .html span after content, okay, let me quickly check कि what is causing this। okay guys, so I found the mistake, है ना। तो यहाँ पे मैंने इसको before किया, that is fine, ये यहाँ पे after होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो text यहाँ पे दिखाई तो दे रहा है, बट ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो इसकी वजह से, तो ये after होना चाहिए। तो that was the mistake I have made। अब यहाँ पे सिंपली कुछ भी नहीं करना है, इट्स सिंपल राइट हियर। अब सिर्फ वैल्यूज़ को चेंज करना है, जो भी हमने वैल्यूज़ डिफरेंट डाली थी, तो मैं इसको यहाँ पे चेंज कर लूँगा मल्टीपल टाइम्स, 1 2 3 4 5। HTML की जगह यहाँ पे आ जाएगा CSS, ओके, और CSS में यहाँ पे मैं कर दूँगा इसको 80%, ओके, और CSS के बाद ये हो जाएगा jQuery, और jQuery हो जाएगा कितना 70%, ठीक है। तो जो वैल्यूज़ हमने ऊपर डाली है उतनी ही वैल्यूज़ हमें यहाँ पे डालनी है। यहाँ पे हमारा हो जाएगा जावास्क्रिप्ट, ये सभी सही रखना ज़रूरी है, और जावास्क्रिप्ट हमारा हो जाएगा 50%। और फाइनली यहाँ पे हमारा हो जाएगा SASS, और SASS हमारा हो जाएगा 75%, ठीक है। इसको मैं करता हूँ सेव, आप देखोगे यहाँ पे ये बराबर तरीके से हमारा प्रोग्रेस बार दिखाई दे रहा है। तो गाइज़ दैट वाज इट फॉर दिस ट्यूटोरियल, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन हो, तो मेक श्योर टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपने अभी तक वेबिनार के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया हो, तो मेक श्योर टू रजिस्टर फॉर द वेबिनार। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।